हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, SOL के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले छात्र बहुत सारे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि उनका जो है अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन अभी भी जो है उनका एडमिशन को लेकर कोई कन्फर्म मैसेज नहीं आया है और ना ही उनका जो है फी रिसिप्ट डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे में वो क्या करें, आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि SOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जो भी छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है लेकिन उनका जो है फीस कट चुका है, लेकिन अभी तक उनका जो है एडमिशन का कंफर्म मैसेज नहीं आया है, साथ में जो है उन्हें जो है दोबारा फीस जो है जमा करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो छात्र उन्हें ये करना है कि उन्हें जो है 7 दिन का इंतज़ार करना है और 7 दिन के बाद जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे दोबारा रिफंड कर दिया जाएगा SOL के तरफ से। लेकिन फिर भी अगर रिफंड नहीं किया जाता है 7 दिन के बाद, तो आपको जो है SOL पे या तो कॉल करना है या फिर आप वहाँ पे जाके SOL ऑफिस में जाके एक आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद जो है आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर छात्रों का जो है 7 दिन के बाद लौटा दिया जाता है उनके अकाउंट में, तो ये आप अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जो है आपको दोबारा एडमिशन करवाना होगा और इसके लिए आपको जो है दोबारा फीस भी जो है जमा करवाना होगा जब आपका फीस जो है रिफंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा। बाकी अब हमसे बार बार ये इसको लेके सवाल ना पूछे। बाकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।